नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो बने हैं, साथ साथ इसमें नवंबर के लास्ट वीक का भी करंट अफेयर यहां पर कवर किया गया है। यहां पर सभी टॉपिक, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट और जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, उन सभी को इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। इसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक और नवंबर के लास्ट वीक का करंट अफेयर मैंने कवर किया है। इसमें किस प्रकार के आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, तो जैसे आईसी वर्ल्ड कप हुआ है उसकी छोटी और बड़ी सारी बातों को मैंने यहाँ पर कवर किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज के द्वारा, क्या वर्ड का मतलब है, कौन सा वर्ड है, उसकी बात करेंगे। पूरे साल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है वो वर्ड, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, इसीलिए इनके द्वारा यहाँ पर इसे अनाउंस किया गया। और साथ साथ 72nd नंबर का मिस यूनिवर्स जो कि सेनिस पलासियोस जीती हैं, ये किस देश से बिलोंग करती हैं, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया, सभी बात होगी। और पहले इंडियन कौन है जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, बात करेंगे किस फील्ड में मिला है उनको, ये भी बात करेंगे। और पहली वुमेन जज कौन थी जो अभी रिसेंटली में पास अवे हो गई हैं, उनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है, तो वो कौन थी, उनकी बात करेंगे। बेस्ट मेल एथलीट जो 37th नेशनल गेम्स हुआ है गोवा में, वहाँ पर बेस्ट मेल एथलीट कौन चुने गए हैं, बात की जाएगी। और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम लास्ट में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ, भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के लार्जेस्ट स्टेडियम में किया गया, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और अहमदाबाद गुजरात में ये अवेलेबल है। यहाँ पर फाइनल में दो टीमें खेल रही थीं, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीत गई और भारत यहाँ पर रनर अप रहा है। अब बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन कौन थे, तो पैट कमिंग्स इनके कैप्टन थे, भारत के रोहित शर्मा थे। यहाँ पर अगर इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम ही नहीं, सारी टीमों ने ऑलमोस्ट 10-10 मैचेस खेले हैं, लेकिन 9-9 मैचेस खेले हैं, लेकिन जो फाइनल तक पहुँचे हैं उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने 11-11 मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर विनर रहा है। यहाँ पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसने किया है फाइनल्स में, मतलब मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको चुना गया, तो ट्रेविस हेड को चुना गया है। इन्होंने सेंचुरी मारी थी, 100 रन से ऊपर मारे थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में किसने मारे थे, तो विराट कोहली ने इस साल सबसे ज़्यादा रन तो मारे ही हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया सबसे ज़्यादा किसी वर्ल्ड कप में रन बनाने का, वो सचिन तेंदुलकर के पास था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड विराट कोहली के पास पहुँच चुका है और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करें भारत आईसी वर्ल्ड कप को कब कब जीता है, तो दो बार जीता है। ओडीआई की बात की जा रही है 50-50 ओवर की, जिसमें 1983 में भारत जो उस समय पर वर्ल्ड कप होता था जिस फॉर्मेट में, उसे जीता कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसे भी भारत ने धोनी की कप्तानी में जीता था। ये जो वर्ल्ड कप होता है आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है और हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1909 में। जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ग्रेग बार्कलेस के चेयरमैन हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में लता मंगेशकर अवार्ड, क्या घनश्याम रागनी लता मंगेशकर अवार्ड अनाउंस किया है और ये किसको यहाँ पर दिया जाएगा, तो सुरेश वाडकर को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने घनश्याम रागनी
लता मंगेशकर अवार्ड अनाउंस किया, जो कि सुरेश वाडकर को दिया जाएगा। जिन ये किनको दिया जाता है, जो म्यूज़िक की फील्ड में बेहतर कंट्रीब्यूशन उसको बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनको दिया जाता है, और इस बार सुरेश वाडकर को दिया गया। वैसे लता मंगेशकर जी के नाम पर और भी राज्य अवार्ड देते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश 1984 से अवार्ड दे रहा है और महाराष्ट्र इस अवार्ड को 1992 से दे रहा है। दोनों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र यहाँ पर ये अवार्ड एक ट्रॉफी के साथ साथ एक 2 लाख रुपए भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आप सुरेश वाडकर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ये वर्ड है हेलुसिनेट। क्या हेलुसिनेट, ये वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हमें नए नए एक्सपीरियंस यहाँ पर करवा रही है, तो नए नए जो एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हम रेगुलर फेस करते हैं उसी को हेलुसिनेट कहते हैं, और इसको वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज ने घोषित किया है। क्योंकि 2023 में आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए इसको कैम्ब्रिज के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बात करें तो कोटक महिंद्रा में रिसेंटली में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद से उदय कोटक ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद यहां पर इंटरिम बनाया गए एमडी और सीईओ, लेकिन अब यहां पर परमानेंट टाइप में एक अपॉइंटमेंट हो गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का, और ये बने हैं अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसको 1985 में फाउंड किया गया था उदय कोटक के द्वारा, महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, उदय कोट यहाँ पर आप वासवानी जी को देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 72nd नंबर का मिस यूनिवर्स कौन जीती हैं? देखिए, 3 भारत ने खिताब जीते और इस बार का खिताब जीता है सेनिस पलासियोस ने। किसने? सेनिस पलासियोस ने, और ये निकारगुआ से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, निकारगुआ से बिलोंग करती हैं, और अल सल्वाडोर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ? अल सल्वाडोर में ऑर्गेनाइज कराया गया। जीता कौन है? तो सेनिस पलासियोस यहाँ पर जीती हैं और निकारगुआ से ये बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पीस प्राइस अवार्ड किसको अनाउंस किया गया है 2022 में परफॉर्मेंस के लिए? तो 2 संस्थाओं को यहाँ पर मिला है, एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन। यहाँ पर मेडिकल फील्ड में देने का मेन पर्पस कोरोना वायरस में इनके यहाँ पर जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है लोगों के बेहतरी के लिए, उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस किसको मिला, ध्यान रखिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन को यह अवार्ड मिला है। अगर इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो 1986 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नए प्राइम मिनिस्टर लग्जमबर्ग के कौन बन गए हैं? लग्जमबर्ग यूरोपियन एक कंट्री है जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लुक फ्रिडेन। कौन? लुक फ्रिडेन, और ये पहले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे लग्जमबर्ग में। यहाँ पर लग्जमबर्ग की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, पहले इंडियन कौन बने जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है? तो ये है एक्टर और कॉमिक करने वाले वीर दास। कौन? वीर दास। इनको बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में, जो कि इन्होंने नेटफ्लिक्स में स्टैंड अप स्पेशल किया था वीर दास लैंडिंग, उसके लिए इनको ये मिला है। किसके लिए? देखिए, दोबारा से सुनिए, ये वीर दास को मिला है। वीर दास को बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि नेटफ्लिक्स में इन्होंने एक स्टैंड अप स्पेशल किया था वीर दास लैंडिंग, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। 51st नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुए न्यूयॉर्क अमेरिका में, वहीं पर ये अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। पहले भारतीय बने हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल किसको बनाया गया? बंगाल में आप सिर्फ 2 ही लोगों को ज़्यादातर जानते होंगे, एक ममता बनर्जी अगर आप बंगाल से नहीं हैं तो,
एक ममता बनर्जी और दूसरे सौरव गांगुली। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और सौरव गांगुली बंगाल के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम के ये कैप्टन रहे और उसके बाद इन्होंने BCCI जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसके प्रेसिडेंट रहे, उनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बंगाल का। तो सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बंगाल का बनाया गया है। कहाँ पर? तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 ऑर्गेनाइज हुआ कोलकाता में, वहीं पर इनके नाम की अनाउंसमेंट ममता बनर्जी जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रा हिंद 2023, ये एक एक्सरसाइज है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, नाम से ही पता चला होगा, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब भारत, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। ध्यान रखिएगा कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। इसकी बात करें तो ये सेकंड एडिशन है, इससे पहले एक एडिशन 2022 में भी हो चुका है जो कि महाजन राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पर? महाजन राजस्थान में पहली, और दूसरी कहाँ हो रही है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होगा? क्यों चर्चाओं में आया? अगले साल ही तो होना है, नाम तो पहले ही अनाउंस हो चुका होगा, लेकिन ICC वर्ल्ड कप 2023 ODI वर्ल्ड कप जब चल रहा था उसी समय पर ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया था। पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़्यादा था, इसी के कारण यहाँ पर उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पर जब वो सस्पेंड हो गए तो श्रीलंका में ही अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का होना था। अब वो सस्पेंड हो चुके हैं तो किसी और देश में कराना पड़ेगा, तो अब कराया जाएगा इसे साउथ अफ्रीका में। श्रीलंका की जगह साउथ अफ्रीका में ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का होने वाला। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि जगह परिवर्तन हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये उन चुनिंदा देश, मतलब ऐसे इकलौते देश में से एक है जिनकी तीन कैपिटल हैं। एक तो प्रिटोरिया इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल, ब्लॉयम फाउंटेन इनकी जुडिशरी कैपिटल है। सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्कू, कौन? सुखविंदर सिंह सुक्कू के द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र को इनॉग्रेट किया गया। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से जो सरकार की स्कीमें चल रही हैं वो क्या धरातल पर, ज़मीन पर या स्कूलों पर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, इसको यहाँ पर समीक्षा करती हुई नज़र आएंगी। तो विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जो सरकार की, राज्य सरकार की स्कीमें चल रही हैं उन पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही, और अगर वो चल रही हैं तो उनमें कुछ कमी है क्या, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सभी काम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से किए जाने की कोशिश रहेगी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें महिलाओं की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, बेहतर करने के लिए 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी रिसेंटली में एंट्री और एग्जिट में CCTV कैमरे लगवाने की अनाउंसमेंट की गई है। गौतम बुद्ध नगर में स्टार्ट किया जाएगा, अगर ये बेहतर होता है तो आगे और भी जगह पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल में भी यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सक्सेस होने के बाद अन्य जगहों पर भी इसको इम्प्लीमेंट करने की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोलकाता नाइट राइडर, ये देखिए IPL होता है भारत में हर साल। अब IPL में टोटल 10 टीमें पिछली बार खेली थी, उन्हीं में से एक टीम है शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर, शाहरुख खान इसके मालिक हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर जिसके नए मेंटर के रूप में गौतम गंभीर का नाम यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। गौतम गंभीर भारत के पूर्व
क्रिकेटर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इस समय पर वो दिल्ली से सांसद भी हैं। दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में जो लोकसभा सीटें हैं उनके द्वारा वहाँ पर चुनाव लड़ा गया और वहाँ पर उन्होंने जीत भी दर्ज कर रखी है। तो गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर के नए मेंटर बन चुके हैं और कोलकाता नाइट राइडर में इन्होंने इससे पहले 2012 और 2014 में जीत में कोलकाता नाइट राइडर इसमें जीती थी इस आईपीएल को, और इनको जीतने में मदद यहाँ पर गौतम गंभीर के द्वारा की गई थी और वो उस समय पर कैप्टन भी कोलकाता नाइट राइडर के थे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर में अपॉइंट किया गया है? तो ये कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये इस समय पर भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं। इनको अपॉइंट किया गया है डिप्टी चेयरमैन के रूप में यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में। ध्यान रखिएगा 2024 तक इनका कार्यकाल चलने वाला है। इनके नाम के अनाउंसमेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरस के द्वारा की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली वुमेन जज कौन थी? पहली वुमेन जज कौन थी? आंसर हो जाएगा जस्टिस फातिमा बीवी, और इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा कोल्लम में इनका निधन हुआ है और ये पहली जज थी, इसीलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इनकी बात करें तो इनका करियर केरला में एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रूप में शुरू हुआ था 1974 में। उसके बाद ये पहली वुमेन जज अपॉइंट हुई सुप्रीम कोर्ट में 1989 में। ध्यान रखिएगा इनका नाम वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम की जब स्टार्ट करते हैं तो आप इनका नाम ज़रूर रटते हैं। अगर भारत के पहले की बात करें तो वैसे तो अधिकतर चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी जी। पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच जे कानिया थे। और पहले स्पीकर लोकसभा के जी वी मावलंकर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर थे। पिनाकी चंद्र घोष पहले चेयरपर्सन लोकपाल के थे भारत के, ये सभी भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और स्टेट असेंबली में सन्नो देवी पहली वुमेन स्पीकर बनी थी, और बछेंद्री पाल पहली वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी। संतोष यादव दो बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली महिला बनी, और आरती शाह पहली वुमेन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था। पहली वुमेन जिनको अशोक चक्र मिला वो नीरजा भनोट थी, ध्यान रखिएगा। तो पहला मैं सबको सब कुछ आपको पढ़ाता हुआ आया हूँ। अगला क्वेश्चन, 37th नेशनल गेम हुआ, कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। और अगला कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। 38 नंबर का नेशनल गेम उत्तराखंड में होगा और 37th नंबर का नेशनल गेम गोवा में हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ जीत लिए गए। महाराष्ट्र ने 228 मेडल यहाँ पर जीते, जिनमें 80 मेडल गोल्ड, 69 मेडल सिल्वर और 79 मेडल ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर सर्विसेज थी, क्योंकि इसके गोल्ड ज़्यादा थे इसीलिए दूसरे नंबर पर है। वैसे टोटल मेडल की बात करें तो दूसरे नंबर पर हरियाणा के हैं 192, लेकिन गोल्ड जिसके ज़्यादा होते हैं उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली सही ज़्यादा अच्छी हो जाती है दूसरे के कंपेयर में। अब बात करें पहले मेल एथलीट कौन थे, कौन है जो कि 37th नेशनल गेम में इनको अवार्ड दिया गया? आंसर होगा कौन? श्री हरि नटराज। कौन? श्री हरि नटराज। ये एक स्विमर हैं, इनके द्वारा 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। पीटी उषा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उनके द्वारा इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेल एथलीट ऑफ द ईयर को मैंने सीक्वेंस लगाया है आपके लिए, देख सकते हैं महाराष्ट्र, सर्विसेज, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके बाद केरला, इस तरीके से सीक्वेंस हुआ है मेडल टैली में। अगला क्वेश्चन,
घोल जो स्पीसीज है, कौन सी घोल जो स्पीसीज है, वो एक फिश है। इसको स्टेट फिश के रूप में किसने अनाउंस किया, तो गुजरात की गवर्नमेंट ने घोल स्पीसीज को अनाउंस किया है स्टेट फिश के रूप में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है घोल। ठीक, आगे बात करें, वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, तो भारत और यूएस के बीच में वज्र प्रहार की नाम की एक्सरसाइज होती है। इसको उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर? उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। कौन सी नेबर कंट्री ऐसी है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहती है? देखिए, अभी रिसेंटली में ब्रिक्स के 6 नए मेंबर इंक्लूड किए गए हैं। टोटल ब्रिक्स में 11 मेंबर हो चुके हैं, पहले कितने थे? 5 मेंबर थे। नाम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। अब 11 हो चुके हैं, कौन कौन नए मेंबर चुने जा चुके हैं और 1 जनवरी से इनकी मेंबरशिप चालू हो जाएगी, तो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान, ये टोटल 6 मेंबर हैं जो कि और इंक्लूड हो चुके हैं। टोटल 11 मेंबर हो चुके हैं। पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा यहाँ पर ब्रिक के नए मेंबर के रूप में इंक्लूड करने की इच्छा जताई गई है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सभी मेंबर कंट्री पाकिस्तान के लिए रजामंद होंगे, उसके बाद ये पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद कैपिटल है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और अनवर अल हुक कक्कर, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो कि 25 नवंबर को ऑब्जर्व करेगी नो नॉन वेज डे, कौन सा? नो नॉन वेज डे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? तो ये साधु टीएल वासवानी की बर्थ एनिवर्सरी पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे के रूप में अनाउंस किया जाएगा। इन्होंने जो बेजुबान जानवर हैं उनके ऊपर नॉन वायलेंस को प्रमोट किया अपने जीवन में, इसीलिए नो नॉन वेज डे इनके जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार अनाउंस कर चुकी है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अनवील किया गया रिसेंटली, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका स्टैचू अनवील किया गया। ध्यान रखिएगा, कब किया गया? तो 26 नवंबर को किया गया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम 26 नवंबर को ही ऑब्जर्व करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का योगदान अतुलनीय है, इसीलिए इस दिन को चुना गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में अनवील करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका स्टैचू। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर आप स्लॉथ बियर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे 2023 में, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट क्या रखा गया है? तो उज्ज्वला रखा गया है। ये एक प्रकार की स्पैरो है जो कि लोगो और मस्कट के रूप में अनाउंस किया गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए। हमारे जो इस समय पर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा खेलो इंडिया जो गेम्स हैं इसको सबसे पहले 2018 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ। अब 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आगे बात करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में चढ़े हैं और उसकी उड़ान भरी है उन्होंने? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर बने जो कि ऐसा इन्होंने किया है। ध्यान रखिएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत के द्वारा सेल्फ मेड है। इसको बनाने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अहम योगदान है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अवेलेबल है। ध्यान रखें किसका? HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ठीक, आगे बात करें।
अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 26 नवंबर को होता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा यहाँ पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और लागू कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से इसे इफेक्ट में लाया गया, इसे लागू किया गया। और एक्सेप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये 2015 से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे पहले इस डे को हम लॉ डे के रूप में ऑब्जर्व करते थे। किस रूप में, लॉ डे के रूप में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम 27 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ये भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें जो डेथ आफ्टर डेथ जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करने का इनिशिएटिव लोगों के बीच में प्रमोट किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम 19 से लेकर 25 नवंबर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करते हैं। वीक कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 19 से लेकर 25 नवंबर तक हम वर्ल्ड हेरिटेज वीक ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब, 21 नवंबर को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम में 1996 में इस डे की अनाउंसमेंट हुई थी, क्योंकि टेलीविज़न का जो योगदान रहता है जीवन में उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम 20 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और 14 नवंबर को, ध्यान रखिएगा, हम चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व करते हैं। किन की बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात करें तो पहली बार इसको 1954 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो वर्ल्ड फिशरीज़ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड फिशरीज़ डे हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी इस बार की थीम सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हम 19 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम इस बार की रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन रखी गई है, क्या, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन रखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी है, कंटेंट अगर आपको बेहतर लगा है, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप खुद लाइक करके जाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कुछ इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस इम्प्रूवमेंट को करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।